देखिए अपने तजुर्बा की बात उन्होंने बताई और सबसे ज्यादा बढ़िया बात उनकी प्रैक्टिकल की आपने देखी होगी। चाचा जी ने एक बात बताई थी कि सिर के लंबे बार ढूंढते एक सीधे सच्चे जी हमारे भूपेंद्र के पिताजी जी हमारे भूपाजी गए ससुराल हीरापुर। तो सिकंदरा राव बाबू चले सरवाई बस उल्ले अड्डे पे उतार देते, सड़क पे पड़ गए पल्ले अड्डे पे टम्पू के तान। एक लड़का पठानी सूट पहने जा रहा था, पठानी सूट देखो ये पहने, काले रंग का पठानी सूट पहने था, चश्मा लग रहा था और पीछे को एक एक फुट लंबे बाल है, कंधा पे बाल लटक रहे। सो परीक्षक जी का बड़े बूढ़े डोकन ने पीछे थे कही कि बहन जी ने रास्ता छोड़ दो तो मैं लिख जाऊं। दादा किस्म के टाइप के आदमी है, सबने पीछे को घूम के फौजी एक ताप दही डोकरा में के चोरे तो मैं बहन जी दिख रहा हूं। बेपमूड़ बात भरा के अगेला चलेगी। एक लड़की जा रही थी बिल्कुल हिप्पी कट, बाल कटे हुए थे, जींस की पैंट और शर्ट पहने थी। सो बिंडोकर ने पीछे थे कही के भाई साहब ने गैल छोड़ दो तो मैं अकेला लेकर जाऊं। सो अब अखी बार लड़की ने खींच के थप्पड़ दो गए, अकल बिगड़ गई है, मैं भाई साहब दिख रही हूं। तब डोकन ने माथे में हाथ वारो, धन्य रे हिंदुस्तान। अब किनते बहन जी कहूं और किनते भाई साहब कहूं, ये समय आ गया है। अब भारत की संस्कृति का विनाश हो गया। अब तुमने एक देखो है अन्य जींस का पेंट आओ घोटन पर फट रहा हो, अब बाजार में नौ लेके आए घोटन पर फट रहा हो, बेहुए का फैशन है बताओ, फटे भाई को फैशन है। सभ्यता और संस्कृति का विनाश हो रहा है इस भारत में। सुनो यहां तक लिख दिया हमारे विद्वानों ने, बिना विद्या भारत देश, अरे देश तेरी भाई खुआरी, बिना विद्या भारत देश। अर्जुन तो अमरीका भी आए, पंडु भी आए ईरान, अर्जुन तो अमरीका भी आए, पंडु भी आए ईरान। सुनो आज केसरी नगरा में और काऊ के लड़का के ब्याह भाई आ जाए इलाहाबाद के हीर, का करने मालूम भैया ना, हम पे तो एक किलो इतनी दूध से मना करेंगे, इतना ही दूध से मना करेंगे। लेकिन तुम्हारे भारत की ससुराल कहां पर थी? अर्जुन तो अमरीका भी आए, पंडु भी आए ईरान, ए अर्जुन तो अमरीका भी आए, पंडु भी आए ईरानी। ईरान और धृत राष्ट्र राजा भी आए थे काबुल के हतीजा की गांधारी। हवाई जहाज को ऊपर देखे लोग होते हैरान, हवाई जहाज को ऊपर देखे लोग होते हैरानी। हवाई जहाज में लगभग 500 आदमी बैठ जाते हैं, 500 और का सोच रहे हो नीचे थे कि कैसी विज्ञान बनी है, सब 500 आदमी बैठ के जहाज उड़ के जा रहा है। लेकिन सुनो इस विद्या से और उस जमाने की विद्या कितनी आगे थी, कितनी गुरु जी। हवाई जहाज को ऊपर देखे लोग होते हैरान, हवाई जहाज को ऊपर देखे लोग होते हैरानी। लंका
छोड़ी 88 पदम, इतनी सेना थी, वो जहाज था भगवान राम के पास का, एक ही बार में सब बैठ आए। तो मुझे 500 आदमी को रो रहे हो, नल के पानी को पी करके लोग होते हैरान, ए नल के पानी को पी करके लोग होते हैरानी, कुआं में तो पानी भरते हैं और जब नल लगो तब कही भैया कितनी बढ़िया विज्ञान है, नेक हत्ता मार दो सो पानी बाहर है। जा विद्या गुरु रे, नल के पानी को पी करके लोग होते हैरान, ए नल के पानी को पी करके लोग होते हैरानी, भीष्म के कारण अर्जुन ने और मारा जमीन में पाड़ के जल की छुट्टी रखना। नौजवान पीढ़ी अगर शरीर मजबूत रहेगा तो मस्तिष्क मजबूत रहेगा, मस्तिष्क मजबूत रहेगा। सिगरेट शराब जी खाई गई, सामर्थ रही का चल देख। अरे अरे बैठ जा, हेलो, ये 500 रुपए की हार माला दुष्यंत यादव, ये हमारे भूपेंद्र जी के कुमार साहब हैं, परमात्मा लंबी आयु देता रहे, सतमार्ग पर ले जाता रहे।